दोस्तों लेटेस्ट मिस्टीरियस वीडियो के लिए दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन पर, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब हम अगले वीडियो डालें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द न्यू मिस्टीरियस। वैसे आपको देखकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि अंटार्कटिका में पानी की जगह खून के रंग जैसा बहता है। अंटार्कटिका में वैसे हमेशा बर्फ जमी रहती है, और वहीं जब ऐसा वाटरफॉल मिले जिसका रंग लाल हो तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। लोग यहाँ आत्मा का निवास मानते हैं। इसका क्या कारण है कि इसका रंग लाल है, और यह कहाँ है? यह एकदम सच है कि येक मरेडो की घाटी स्थित टाइलर ग्लेशियर में एक ऐसा वाटरफॉल है जिसमें बहने वाले पानी का रंग खून के जैसा गाढ़ा लाल है। इस वाटरफॉल का नाम इसी कारण ब्लड फॉल पड़ गया। इस वाटरफॉल को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ नहीं उमड़ती, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ कई आत्माएं निवास करती हैं जो लोगों को मार देती हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल है। इस टाइलर ग्लेशियर की खोज 1911 में अमेरिकी जीव विज्ञानी ग्रिफिथ टाइलर ने की थी। यह प्लेटफॉर्म 5 मंजिल इमारत जितना ऊंचा है। इसके पानी में 11 प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जीव विज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियर के नीचे बहने वाली झील जमकर ग्लेशियर में तब्दील हो गई, और ग्लेशियर में दरार पड़ने से पानी धीरे धीरे बहता रहता है, और पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड हवा के संपर्क में आकर लाल रंग का हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। आप हमें अपने शब्द कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी काफी लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो के नीचे दिए हुए लाल बटन को क्लिक नहीं किया है तो अभी उसे क्लिक करें ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। हम मिस्टीरियस वीडियो, जीके से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको विश्व की तरह तरह की जानकारियां प्राप्त करने का शौक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं।